हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 8.21 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है इसके अंदर, आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में समझते हैं। क्वेश्चन में सिंपल हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू देकर रखा है जो कि है सेक थीटा, कितना है 13/12। हमें यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन सभी का यहाँ पे क्या करना है, उन सभी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है उसको सबसे पहले लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, साइन थीटा। उसके बाद फिर हमारे पास कॉस थीटा, उसके बाद फिर टेन थीटा, कॉसेक। तो ये सारा का सारा क्या हो गया हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इतना क्लियर। अब सबसे पहले इन सभी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में देखे हैं कि सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले एंड नीचे हम लोग क्या करते हैं, कौशिक सिक एंड कॉट, है ना। इसको मैं टेबल फॉर्म में लिख लेता हूँ अच्छी तरीके से। अब इस टेबल के बेसिस पे हम लोग पूरा के पूरा फॉर्मूला आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले एस स्टैंड फॉर साइन। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंड कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक का फॉर्मूला जिस इसका रेसिप्रोकल उल्टा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड सेक का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। एंड लास्टली कॉट, इसका भी रेसिप्रोकल, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सारा का सारा हमें फॉर्मूला मिल चुका है। इसमें से हमें सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला, इट मीन वैल्यू देकर रखा है जो कि है सेक। कितना देकर रखा है, 13/12 है ये। ठीक है, तो ये हो गया 13/12, इट मीन्स यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कितना आ चुका है 13, एंड बेस हमें यहाँ पे मालूम चल गया कितना है 12, है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। एंड ये देकर कितने रखे हैं, अपर साइड में यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना है 13, इट मींस हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है 13 है और बेस हमारे पास कितना है 12 है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पर तीनों के तीनों साइड चाहिए होगा, हमें दो साइड देकर रखा है, तीन साइड हम लोग निकाल ले सकते हैं। तो थीटा हम लोग मान लेते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे ए के पास में। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इसके साथ वाला साइड जो होगा वो सिंपल क्या होता है, बेस। इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर। एंड 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो क्या क्या हमें मिल चुका है, हाइपोटेन्यूस कितना है 13, उसके बाद हमारे पास बेस कितना आ चुका है 12, इट मीन्स ये हमारे पास आ चुका है। हम लोग को ये फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो उसको मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हमें मिल चुका है कितना, 13 का स्क्वायर, तो ये होगा 13 स्क्वायर। बेस हमें यहाँ पे कितना मिल चुका है, 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें नहीं मालूम, तो ये एज इट इज। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो 13 13 का कितना होता है आपका 169, 12 12 का कितना होता है हमारे पास 144 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज। अब सिंपल हमें यहाँ पे किसके वैल्यू निकालना है, पी का, तो ये इज इक्वल टू के साइड आके क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल हम दोनों हम लोग इनको इसमें से माइनस कर देंगे, तो 9 में से 4 गया कितना बचा आपका 5, 6 में से 4 गया 2 एंड 1 में से 1 गया कैंसिल, तो पी स्क्वायर आ चुका है हमारे पास क्या 25। हमें सिर्फ पी की वैल्यू निकालना है, तो ये जो स्क्वायर है इज इक्वल टू के साइड आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू पी। तो ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो 5 5 कितना होता है 25, इट मीन्स यहाँ पे पी की वैल्यू सिर्फ कितना आ चुका है 5। तो इसी के साथ हमारे पास सारा का सारा तीनों साइड हमें मिल चुके हैं। अब जस्ट हमें क्या करना है, ये वैल्यूज को जस्ट यहाँ पे क्या करना, अकॉर्डिंगली पुट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास सिंपल इसमें कितना है 5, तो ये हो गया 5 एंड हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है 13, तो ये हो गया 13, आ गया आंसर। सेम थिंग हमने हमें इसमें भी करना है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हमारे पास कितना है 12, हाइपोटेन्यूस कितना है 13, तो 12/13। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 5 एंड बेस हमारे पास कितना है 12। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कॉसेक, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है 13, तो ये हो गया 13 एंड परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5, तो ये हो गया 5।
ओके इसका आंसर तो हमें देकर रखे हैं। उसके लास्ट हमारे पास क्या है कॉट, तो ये क्या है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 12 एंड परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो गया 5। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये सभी का आंसर आपके पास आ चुका है। ठीक है, इतना सिंपल सा आंसर था इसका, और इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।